हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड की दो माँ बेटियों में हुई घमासान युद्ध के बाद ग्रैंडमम को आके इनकी लड़ाई रोकनी पड़ती है, वरना तो ये दोनों क्या करती पता नहीं। उसके बाद सीनशिप दिखाया जाता है जहाँ पर उयाना के अगेंस्ट मिलिन कुछ तो प्लान कर रही थी, साथ में उयाना भी, और उयाना और मिलिन दोनों ही ऑफिस पे आ चुके थे। यहाँ पर ऑफिस पे आने का रीजन था कि आज मिलिन के पापा उयाना को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। मिलिन ने यही प्लान किया था ऑफिस में कि आज उसका इंसल्ट करवाएगी, क्योंकि अब वो थी एक्ट्रेस, उसे बिजनेस के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता होगा, तो इन्वेस्टर्स के थ्रू उसे टारगेट करवा के। लेकिन नहीं, उयाना तो उयाना थी, वो बहुत स्मार्ट थी, इजीली सारी सिचुएशन को संभाल लेती है। और साथ में इस बात की वजह से मिलिन को अपने पापा से बहुत डांट सुननी पड़ती है। और यहाँ पर ना वो बोलते कि उसने मेरे पे पेंडिंग फेंकी थी पापा, लेकिन वो बोलते कि मैंने सीसीटीवी देखा हुआ था, स्टार तुमने ही किया था, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं उयाना से ही शादी करूँगा, और तुम ऐसी हरकत करती रहोगे ना तो तुम सिर्फ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से भी हाथ धो बैठोगी, और उसकी रेस में अब तुम्हारा भाई भी है, ऐसा बोल देते हैं। इन्हें हमें दिखा जाता है इधर हॉस्पिटल में, उयाना अपने पापा को बोल रहा था कि दोनों सीईओ बनने के लिए दोनों ही दावेदार हैं। और यहाँ पर ना नीलिंग की कमजोरी ये थी कि उसे हारना पसंद नहीं, लेकिन वो बहुत ईगो वाली है, मतलब ईगो के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसका वीक पॉइंट ये हुआ, और उसका भाई की इनका वीक पॉइंट ये था कि वो अपने पापा के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट था। और यहाँ पर ये लोग ना ये बात करते हैं कि ये लोग अभी जो नया प्रोजेक्ट करने वाले थे ना, उसका फार्मूला वो लोग फिर से चुरा सकते हैं, तो इसको किसी भी कीमत में एम्पायर ग्रुप से बचाना था। और यहाँ पर ना जो पापा थे, मतलब स्टफी बोलते कि तुम दोनों में से जो टी ग्रुप से वो लेके आएगा वही यहाँ का सीईओ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ना मिलिन अपने भाई से बोल रही थी कि मुझे लगा नहीं था उस दिन के बाद तुम इतना बदल जाओगे, उससे पहले तुम ऐसे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने कहा है उसके बारे में बात नहीं करना। उसके बाद वो सीधे जाती है तावेद के पास और उसके बोलते कि मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। वो बोलता है कि आपने मुझे चांस दिया है क्या, तो वो बोलते हैं इस बार मैं चांस दे रही हूँ, अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए ना तो इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। यहाँ पर ना तावेद बोलता है कि क्या आप मुझे अपनी लाइफ में एक चांस दोगी, वो बोलते कि हाँ। तो हम अब से सीन को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर ना डिनर टाइम चल रहा था, उयाना ने बोला था कि हर फ्राइडे हम साथ में डिनर करते हैं, फैमिली टाइम। यहाँ पर ऑब्वियसली मिलिन अब उयाना की बात सुनने वाली तो नहीं थी। और यहाँ पर आज फ्राइडे था, शाम को एग्जैक्ट 7 PM को यहाँ पर सबको आना था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर पेट, जो उसका भाई था वो बोलता है कि वो फॉर्मल लाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, फिक्र मत करो। तो एक भाई तो इसके साइड था ही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिलिन हारे। ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो हम चलते हैं अब उयाना के पास। उयाना को भी पता चल चुका था कि क्या पंगा चल रहा है, तो वो सोचती है कि अगर ये फॉर्मूला वो ले पाए ना टी ग्रुप से तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा, और ग्रैंड मम और फीकेट भरोसा वो तो जीत लेगी। उसके बाद हम चलते हैं अब फिर से हमारी हीरोइन मिलिन के पास। ओ टी ग्रुप में जाने वाली थी, और यहाँ पर क्यों जाने वाली थी आपको पता चल जाएगा, उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। इस बार इस रेस से वो अपने आप को बाहर करना नहीं चाहती थी, लास्ट टाइम दो पापा को डिसअपॉइंट कर चुकी थी। और वो क्या करती है ना, अपने कान का एक ईयरिंग हाथ में निकाल लेती है। पहले तो हम लोगों को लग रहा होगा कि इसने ईयरिंग क्यों निकाली, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा। और वो सीधा पहुंच जाती है टी ग्रुप में। यहाँ आने के बाद सब लोग उसे रोक रहे थे। तो यहाँ पर अब एक अपोनेंट कंपनी की सी जो इम्प्लॉय को यहाँ पर कैसे आने दिया जा सकता था। लिसा आती है, बोलती है कि उयाना भी मीटिंग में, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं उयाना से मिलने आई हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे, और शायद नीलिन की एरोगेंट बिहेवियर की वजह से या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से ये दोनों में बात बन नहीं पाई। लिसा भी बोल रही थी कि तुम हमेशा मुझे ना ऐसा दिखाती थी कि मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पर नीलिन भी बोल रही थी कि मैंने तुम्हें अपने पापा की कंपनी काम करने के लिए ऑफर किया था, तुमने मना किया था, वरना आज ऐसा नहीं होता। तो इनका जो भी था हमें बाद में रिवील होगा। उसके बाद उयाना आ जाता है, वो लिसा के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि थैंक यू सो मच लिसा, तुमने सिचुएशन को संभाला, अब इसे मैं संभालता हूँ। उसके बाद उसके कमर पे हाथ पकड़ हाथ रख के बोलता है कि क्या बात है, तुम मुझे मिस कर रही हो। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या बात है, कल रात की वन नाइट स्टैंड कुछ हजम नहीं हुई क्या। और उसके बाद इधर दिखा जाता है तावेद को। तावेद टी ग्रुप का एक मेंबर था, उसके सामने गया हुआ था उसे इंप्रेस करने के लिए। बेसिकली ज़्यादा लंबा नहीं खींचते पीटर ओ मिल के। यहाँ पर ना तावेद उसका ब्रेन वॉश कर रहा था कि एक नया बिजनेस है जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आप बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो एज का नाम है नॉक, वो बता कि बदले में मुझे क्या करना होगा। तो शायद तावेद वही बोला होगा उसने कि उससे
टी ग्रुप से नया जो फॉर्मूला है, नया प्रोजेक्ट का फॉर्मूला है ना, वो चाहिए होता है। एंड में दिखाया जाता है, फिर से वही जगह पे जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, यही तो रखा था मैंने, यही तो रखा था। एक्चुअली उसने जो ईयर रिंग निकाल दी ना, वो खो गया था, वो माना किया था। वो बोलता है कि सच में तुम्हारा ईयर रिंग खो गया था क्या? वो बोलती कि हाँ। उसके बाद वो उसे देखता है और धीरे से उसके बाद वो बोलती कि मुझे तो लगता है ना तुम कल के बाद भूल ही नहीं पाए। वो बोलती कि मुझे हाथ मत लगाया करो ऐसे। वो बोलते कि हाँ कल तो तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही थी मेरे साथ और अभी बोले कि हाथ मत लगाया करो। तो यहाँ पर ना मिलिंग बोलती कि क्योंकि ना कल रात में ड्रंक थी, मुझे होश नहीं था। और यहाँ पर वो बोलता कि फिर भी ना मुझे लगता है तुम मुझे लाइक करती हो ना, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ना ऐसे ही बता रही थी, बोल के वो हंसता है। ये सुनने के बाद ना नीलिन तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लाइक करूंगी, और तुम जैसे अकेली लड़के मतलब ज़्यादा काम करने वाले लड़कों को जिसके पास कुछ टाइम ही नहीं, सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है क्योंकि वह ना ने भी कुछ ऐसा ही बोल के उसे छोड़ दिया था। तो वो बोलता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं काम करता हूँ तो एटलीस्ट किसी को धोखा तो नहीं देता ना, ये बोल के वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो सोचती कि ये इतना सेंसिटिव कब से हो गया, मतलब अभी तो इतना नहीं था। उसके बाद यहाँ पर वो बाहर आता है, बाहर आ जाने के बाद उसके पापा उसे कॉल करते हैं। तो टी ग्रुप के कुछ सीक्रेट एजेंट के थ्रू पता चला था कि एम्पायर ग्रुप के मिस्टर फी को पता चल चुका था नाइट प्रोजेक्ट के फॉर्मूला के बारे में। तो वो लेने के लिए यहाँ पर ना मिलिन आई हुई थी बस यहाँ पर उनको भटकाने के लिए, उनको रोकने के लिए, ताकि ताविद अपना काम कर सके। तो ये बात पता चलने के बाद वो वापस आता है, बोलता कि तुम्हें मिला क्या जो तुम ढूंढने आई हो? और उसके बाद वो बोलते कि हाँ मुझे मिल चुका है। और उसके बाद बोलते कि तुम जो चाहती हो ना वो कभी नहीं मिलेगा मिलिन तुम्हें। तो यहाँ पर वो बोलते कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो बस अपना चीज़ लेने आई थी। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ताविद जैसे इंसान पे भरोसा करके तुम सक्सेस हो पाओगी? तो वो बोलते कि मैं क्यों नहीं भरोसा कर सकती ताविद पे। वो बोलता है कि सारे लोगों को पता है कि ताविद ने टी ग्रुप के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, क्या ताविद के लिए अभी यहाँ पर टी ग्रुप के कुछ एम्प्लॉय आने रहेंगे तुम्हें ऐसा लगता है? वो बोलती कि बंद करो अपनी बकवास। वो बोलता है तुम ना एक दिन गिर जाओगे बहुत बुरी तरह से अपने ईगो की वजह से। नीलिन आती है, ताविद को कॉल करती है बाहर, और वो बोलता है कि कल तक मिल जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद वो खुश हो जाती है। एक्चुअली उसके पास प्लान भी था। और यहाँ पर ना उयाना को दिखाया जाता है, उयाना को ना नीलिन ने यहाँ पर रोका हुआ था एक एम्प्लॉय की मदद से। लेकिन यहाँ पर ना अब उयाना थी, फिर की होने वाली वाइफ, तो ऑब्वियसली अब बॉस की वाइफ को कौन ज़्यादा वक्त रोक सकता है। तो उयाना को भी यहाँ से निकल के चली जाती है। तो उयाना भी अब उनके ऑफिस पे जाने वाली थी उस नए फॉर्मूला ले आने के लिए, तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला था। और हम चलते हैं नेक्स्ट वाला सीन, शाम के 7 बजे यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं डिनर के लिए, लेकिन नीलिन नहीं आती। मिलिन इसकी वजह से मिस्टर फी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मे भी उनकी ईगो हर्ट हुआ था पता नहीं क्या, लेकिन उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से अब सारा गुस्सा मिलिन पे फूटने वाला था। ये तो अच्छी तरह से पता है आप लोगों को भी। सो अब यहाँ पर फैमिली टाइम तो हो गया, जहाँ पर अब नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना मिलिन नूडल्स खा रही थी और ना इतनी इंजॉय कर करके खा रही थी कि मेरे लिए यही पार्टी ऐसा सोच के। तो इसकी ऐसी हरकत मतलब बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। तो ऐसी हरकत ना ताविद आता है, ताविद उसे देख लेता है और ना इस टाइम पे वो सच्ची में बहुत क्यूट लग रही थी। और हमारा बंदा हुआ सेकेंड लीड ड्रामा का, तो ऑब्वियसली हीरोइन से प्यार तो करना ही था। वो उसे देख रहा था, तभी उसे ऐसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आते और उसे पानी देता है। तुम ठीक हो? वो बोलते कि हाँ ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास अपना घर नहीं है क्या? किसी को नूडल खाते कौन देखता है ऐसा वो बोल रही थी। तो वो बोलता कि क्योंकि ना सब लोग नूडल खाते, लेकिन तुम तो ऐसे खा रही थी, कोई बहुत हेल्दी राइट हो। और वो हंसता है। उसके बाद बोलता कि हाँ तो तुम्हारे पास अपना घर नहीं है क्या? तुम घर नहीं जाओगे? वो बोलते हैं कि मेरा छोड़ो, तुम्हारे पास तो घर है, तुम्हारी फैमिली है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो वो बोलती कि मुझे ऐसे ही अकेले रहना पसंद है, अपने लिए खुद काम करना पसंद है, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं। और ये सुनने के बाद ना वो बोलता कि तुम ना मेरी तरह बिल्कुल भी। और उसके बाद बोलती कि तुम मुझे ताटे रहोगे? तो अपना आँखें बंद करता है और बोलती कि चलो मैं खाने लगती हूँ। और उसके बाद बोलता कि मैं आँख बंद कर रहा हूँ, तुम आराम से खाओ, ऐसा कंसिडर करो कि मैं हो ही नहीं। ये देखने के बाद मतलब बहुत वो भी क्यूट लग रहा था। नीलिन हंसने लगती है, बोलती कि तुम ना कुछ भी करते हो, और वो ऐसे ऐसे देख रहा था नीलिन को। और अब चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना कि जो मिलिन का भाई था वो बोलता है कि पापा कल तक उस कंपनी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, और अपने बेटे के लिए वो बहुत खुश थे। एंड देन यहाँ पर ताविद मिलिन को छोड़ने आया था। और यहाँ पर ना
एवरीथिंग वॉज नॉट वेल ऑब्वियसली, अब पापा तो गुस्सा करेंगे ही, इन दोनों का तो हो गया, कल तक फॉर्मूला ला लेने आने वाले थे लोग यहाँ पर, पापा के बहुत गुस्सा करते मिलिन पे। और नीलिन बोलती है कि मैं अपना काम कर रही थी, तो एक अच्छी सीईओ की एक क्वालिटी होती है कि फैमिली और बिजनेस दोनों अच्छे से संभाले, और अगर तुम ऐसा करोगी ना दूसरी बार तुम मेरी ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगी तो तुम इस सीईओ के पोस्ट से आउट हो जाओगी। सुनी बात बोलती है कि आपने तो ऑलरेडी डिसाइड किया है ना कि आप पोस्ट किनको देंगे, तो मुझे रेस्पेक्ट क्यों रख रहे हैं, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, बार बार आप मुझे कभी अप्रिशिएट करते नहीं, मैं इतना ट्राई करती हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए, हमेशा ऐसा ये बोल देती है। एंड विद दैट इट, ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा चैनल भी अभी नया नया है, अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।